देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम बता रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है? फ्रेंडली फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गया आपको लैक्टो बैसिलस। क्या है? लैक्टो बैसिलस ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड यानी दही। तो देखिए यूजफुल है ना, जो फ्रेंडली है, जो हम लोग को ऐसा बैक्टीरिया जो हम लोग को सहायता करता है। तो कौन है? लैक्टो बैसिलस। लैक्टो बैसिलस ए बैक्टीरियम इज यूज इन मेकिंग कर्ड, दही दही बनाने में हमको मदद करता है, इसीलिए ये अच्छा है हम लोग के लिए, आदमी के लिए फायदेमंद है, दही बनता है। फिर दूसरा आया ईस्ट, ईस्ट ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ है ना, तो ईस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इज यूज इन मेकिंग केक्स पेस्ट्रीज ब्रेड, यानी कि ईस्ट का है ना सो आपको के ईस्ट का आपको है ना सो बेकरी सब में काम होता है। तो इसमें बेकरी में होता है, केक 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 बनता है, पेस्ट्रीज बनता है, ब्रेड ब्रेड ये सब पाव रोटी ये सब बनता है, तो उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। फिर है ना तीसरा सी है एसीटोबैक्टर। एसीटोबैक्टर एसीटी बैक्टीरिया इज यूज्ड इन मेकिंग वेनिजार, वेनिजार फ्रॉम अल्कोहल। तो वेनिजार बनाने में बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है। तो ये है एसीटोबैक्टर। एसीटोबैक्टर एसीटी बैक्टीरिया इज यूज्ड इन मेकिंग वेनिजार, वेनिजार बनाने में काम आता है। अल्कोहल किससे बनता है? अल्कोहल से। अच्छा, अब डी में आइए, डी नीचे देखिए, डी में कैंकल्स। कैंकल्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगी एंड बैक्टीरिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट ध्यान वाला चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान वाला चीज यही है कि देखिए कैंकल्स प्रोड्यूस बाय फंगी एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का नाम सुने हैं? तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? देखिए तो एंटीबायोटिक हो गया। कैंकल्स प्रोड्यूस बाय फंगी एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर डिजीजेस। एंटीबायोटिक का है ना सो बीमारी को ठीक करने में यूज होता है। तो वो जो भी है ना बैक्टीरिया एंड फंगी से होता है, तो उसी उसी का है। केमिकल्स जो है ना बैक्टीरिया फंगी प्रोड्यूस करता है उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, तो क्योर डिजीज होता है। एग्जाम्पल आ रहा है ना तो टेट्रा सिलीन, देखिए टेट्रा सिलीन हो गया एंटीबायोटिक हो गया, स्ट्रेप्सोमाइसिन हो गया, इथिलोमाइसिन हो गया, ये सब क्या हो गया? एंटीबायोटिक हो गया, जो आपको हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अच्छे पेंसिलिन, पेंसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक। सबसे पहले पेंसिलिन, पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक था उसका सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। कब हुआ था? पेंसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इन 1929 उन्तीस में 1929 में बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट से। तो वो है ना सो आपको 1929 में इसका डिस्कवर हुआ था पेंसिलिन का। अच्छा, लेकिन है ना सो आपको कोल्ड, जब कोल्ड होता है, फ्लू होता है, मौसमी बुखार ये सब हुआ, तो कोल्ड एंड फ्लू कैन नॉट बी क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एज दे आर कॉज्ड बाई वायरस। अब कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार देह में ऐंठन हो जाता है, तो किसके कारण होता है? वो उसमें एंटीबायोटिक का नहीं प्रयोग होता है, उसमें फिर हम क्या क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का नहीं प्रयोग होता है, इसीलिए कि वो सब चीज़ हम ना वायरस के द्वारा होता है, वायरस का, तो वायरस के द्वारा होता है, तो इसीलिए उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन देखिए, वैक्सीन यही होता है। देखिए वैक्सीन, वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट प्रिवेंट सर्टेन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट सर्टेन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, जैसे कोलरा, कोलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन देखिए, वैक्सीन के द्वारा है ना कौन कौन सा बीमारी ठीक होता है, तो देखिए तो वैक्सीन के द्वारा है ना सो कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी डेवलप एंटीबॉडीज दैट हेल्प टू फाइट माइक्रोब्स ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन को क्या होता है, जब शरीर में दिया जाता है
तो एंटीबॉडीज डेवलप करता है किसके द्वारा, मैंने कि जो बीमारी जैसे कोरोना वायरस हुआ, तो कोरोना वायरस वायरस है तो शरीर में अटैक करेगा, तो हम लोग को वैक्सीन दिया गया तो उसमें ना कोरोना वायरस का ही छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, सो एंटीबॉडी डेवलप करता है, जिसके कारण है ना सो आपको वो कोरोना वायरस से लड़ने में हमको मजबूती प्रदान करता है। तो देखिए एंटीबॉडी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के द्वारा इसको रोकथाम किया जाता है। वैक्सीन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी डेवलप एंटीबॉडीज दैट हेल्प टू फाइट माइक्रोब्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। पोलियो ड्रॉप्स वैक्सीन गिवन टू इरिडिकेट पोलियो। अब पोलियो ड्रॉप्स क्या होता है, पोलियो ड्रॉप्स है ना बच्चा जो 5 साल तक के बच्चा को दिया जाता है, तो पोलियो ड्रॉप्स आर वैक्सीन गिवन टू इरिडिकेट पोलियो एंड टू प्रोटेक्ट 1 to 5 years ओल्ड चिल्ड्रन। तो बच्चा लोग को दिया जाता है पोलियो वैक्सीन, तो उसको पोलियो वायरस से बचाने के लिए, तो उसी में छोटा छोटा उसका पार्टिकल होता है जो एंटीबॉडी पोलियो वायरस के अगेंस्ट है ना डेवलप करता है, सो उसको जान की रक्षा करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, देखिए आगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो हमको नुकसान पहुंचाता है, खतरा होता है, जिससे बीमारी हो जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉजेज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज आज कॉल पैथोजन। पैथोजन किसे कहते हैं, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना सो बीमारी पैदा करता है उसको पैथोजन कहते हैं। सच एज प्लास्मोडियम ए प्रोटोजोआ विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। सच एज प्लास्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोआ है प्लास्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया जो बुखार हो जाता है ह्यूमन बींग्स में, तो वो क्या होता है प्लास्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण होता है इनह्यूमन मलेरिया बुखार हो जाता है। अच्छा एनोफिल फीमेल मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया फीवर, जो मच्छर होता है उसमें फीमेल जो है ना जो मॉस्किटो होती है मच्छर होती है फीमेल एनोफिल्स फीमेल मॉस्किटो कॉज मलेरिया फीवर होता है जिसके कारण। इट इज ए कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट कॉल प्लास्मोडियम, तो वो जो है ना एनोफिल फीमेल जो मॉस्किटो होता है वो कैरियर करती है क्या पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट कॉल प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम का कैरियर होती है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। अच्छा एडिस मॉस्किटो है, देखिए एक दूसरा टाइप का मॉस्किटो होता है मच्छर होता है एडिस मॉस्किटो कैरीज डेंगू फीवर जो हो जाता है बहुत कम दिल्ली उल्ली सबके इलाके में बहुत होता है, तो डेंगू फीवर में किसे कारण होता है एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू फीवर होता है। अब देखिए बहुत सारा बीमारी तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो कि है ना सो किसी के छूने से एक हेल्दी पर्सन में बहुत सारा बीमारी कब से आ जाता है, जैसे कि कोई बीमार डिजीज किसी को बीमारी है तो उसके कांटेक्ट में आने से एक हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ जाता है। तो क्या होता है भाई आप है ना सो गंदा पानी पी लीजिए या ये होता है जो गंदा पानी हुआ या खाना हुआ या किसी के आप है ना सो एयर पोल्यूशन के द्वारा भी होता है, तो जैसे कि हाउस फ्लाई हुआ मच्छर मक्खी हुआ वो क्या गंदा में नाली उली में बैठती है और वहाँ से बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आके कटा हुआ फल खाना होना पर रख देती है जिससे कोलरा होता है। तो हाउस फ्लाई जो मक्खी होता है उससे कौन बीमारी होता है कोलरा का बीमारी होता है। गंदा जगह पर एनिमल का जो है ना सो एक्सक्रीटा होता है डंग काउ डंग ये सब होता है वहाँ पर कोलरा का जो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उस पर बैठती है उसको लेके फिर अच्छा हेल्दी खाना जो खुला हुआ खाना में रहता है उस पर बैठ जाती है, अगर उसको लोग खा लेगा तो फिर उसको कोलरा हो जाएगा। जैसे टीबी हुआ तो कम्युनिकेबल डिजीज है बाई एयर, एक कोई बीमार आदमी है अगर कोई बीमार आदमी उसको टीबी है और वहाँ पर कोई स्वस्थ आदमी उसके बगल में चल जाएगा तो उसको खांसेगा तो उसके बाई थ्रू एयर टीबी का बीमारी हो सकता है उसको। टीबी हुआ टीबी का बीमारी हुआ ये कॉमन कोल्ड हुआ फिर से कोलरा हुआ
तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक है ना सो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन के द्वारा पहुंच जाता है, तो भाई थ्रू एयर वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सब के द्वारा। तो हम लोग को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खुला में रखा हुआ खाना ये सब नहीं खाना चाहिए, जिससे हम लोग को कोलरा जैसा बीमारी हो सकता है। मक्खी ये सब से बचा के रखना चाहिए, मच्छर ये सब से बचा के रखना चाहिए।